पढ़ चुके हैं डेफिनेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, एक्सेसिंग एलिमेंट्स और मैनिपुलेशन। तो अब उसका कोड देख लेते हैं। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी डेटा टाइप हो सबसे पहले, उसके बाद एक वेरिएबल या इसका जो सेंटेक्स है कि पहले डेटा टाइप, फिर हमारे पास आइडेंटिफायर या कोई भी वेरिएबल, और उसके बाद हमारे पास अरे की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो इसमें अब जो इंट है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो इंट है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है डेटा टाइप। इंट हमारे पास डेटा टाइप है, और उसके बाद जो हमारे पास स्कोर्स हैं, स्कोर्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल जिसमें हमने क्या किया कि अपने जो स्कोर्स हैं या जितने भी यूज़र इनपुट देगा या जो हम खुद देंगे उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास ये है फाइव, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एरे की लेंथ है कि एरे हमारे पास कितना होगा, मतलब एरे का हमारे पास साइज़ कितना होगा, ये हमारे पास लेंथ है या क्या है, हमारे पास साइज़ है। नेक्स्ट हमारे पास एरे डिक्लेरेशन, कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। सबसे पहले बताया डेटा टाइप लिखेंगे, सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल लिखेंगे, और उसके बाद एरे का लेंथ या साइज़ जो भी होगा उसको हम लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास इंट क्या है, डेटा टाइप है, नंबर्स वेरिएबल है कि किस में हमारे पास स्टोर हूँ, और ये जो फाइव है हमारे पास ये क्या है, हमारा अरे का लेंथ है। अब यहाँ तक तो हमने सिर्फ इसको डिक्लेयर कर दिया। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है कि वैल्यू उसको असाइन कर देना, मतलब जो भी अरे है जो भी वेरिएबल है उसको कोई ना कोई वैल्यू दे देना। तो अब हमने ग्रेड्स लिए, ग्रेड्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और ये सारे क्या होने चाहिए, इंट डेटा टाइप के होने चाहिए। अगर हम इंट की जगह फ्लोट यूज़ करते हैं तो हमारे पास जितना भी मतलब डेटा होना चाहिए वो सारा पॉइंट्स में होना चाहिए। तो अभी ये सारा डेटा क्या है, इंट में। ये हमारे पास अरे में शर्त होती है कि जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं या जो भी हम डेटा टाइप ले रहे हैं उसका जितने भी एलिमेंट्स हों वो सारे उसी डेटा टाइप के हों, इंट के हैं तो इंट के हों, फ्लोट के हैं तो फ्लोट के हों। अब एक्सेसिंग एलिमेंट्स, कि हम कैसे किसी भी कोई भी इंडेक्स का कोई भी वैल्यू लेके हम उसको क्या कर दें, आउटपुट करा दें। अब मैंने बताया इंडेक्स, इंडेक्स हमारे पास किससे स्टार्ट होता है, ज़ीरो से। हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेड सी आउट फर्स्ट स्टूडेंट्स ग्रेड, और उसके बाद ग्रेड्स हमारे, हमने जो अपना यूज़ किया ये देखें वेरिएबल, और उसके बाद इंडेक्स ज़ीरो। इंडेक्स ज़ीरो का क्या मतलब है कि जो भी पहली वैल्यू है उसको क्या कर दो, तुम आउटपुट करा दो। इंडेक्स हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो ये वैल्यू 85 ज़ीरो पे, 92 वन, 78 टू, 93 एंड 88 फोर, तो ये हमारे इसके इंडेक्स है। तो यहाँ पे हमने बोला है कि क्या करा दो, जो ग्रेड्स की वैल्यू है उसको, जो भी इंडेक्स ज़ीरो पे वैल्यू पड़ी है उसको क्या करा दो, सी आउट करा दो। ये भी हम करके देखेंगे रन। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का क्या मतलब है कि वेरिएबल में या सॉरी प्रोग्राम में किसी भी पॉइंट पे आके हम वेरिएबल की वैल्यू को या अरे की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने नंबर लिए थे फाइव, मैं इसको भी नंबर कर देती हूँ, नंबर, और उसके बाद यहाँ पे भी नंबर लेना पड़ेगा। तो अब नंबर में इंडेक्स टू पे, ब्रैकेट में हमारे पास हमेशा इंडेक्स शो होंगे, तो इंडेक्स टू पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको किससे रिप्लेस कर दो, 42 से। अब इंडेक्स टू पे हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी, ये है इंडेक्स 0, 1 एंड 2। इंडेक्स टू पे हमारे पास वैल्यू है 77, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इंडेक्स टू पे जो भी वैल्यू है उसको किससे रिप्लेस कर दो, उसको रिप्लेस कर दो 42 से, जो कि नई वैल्यू दी है। इंडेक्स टू पे वैल्यू थी 78, इंडेक्स टू पे वैल्यू थी हमारे पास 78, हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, 42 से। तो मैनिपुलेशन का यही मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे प्रोग्राम में आके वैल्यू को क्या कर देना, चेंज कर देना, रिप्लेस कर देना। तो इस कोड को हम कमेंट आउट कर देते हैं, नंबर फाइव, नंबर्स नहीं नंबर। और अब अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास इंडेक्स जीरो पे जो भी वैल्यू होगी, इंडेक्स जीरो पे हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, 85, तो इसने 85 को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ इंडेक्स फाइव, इंडेक्स फाइव तो हमारे पास है ही नहीं,
हम यूज़ नहीं कर सकते। इंडेक्स थ्री के थ्री इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको हमें क्या करते, तो इंडेक्स थ्री पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 90, 0, 1, 2 एंड 3, तो इंडेक्स थ्री पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 90। अच्छा, ये था बेसिक अरे, मतलब हम कैसे उसको इनिशलाइज कर सकते हैं, एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि हम अरे को या सिंपल ही यूज़र से ले लें जैसे इस तरह, या हम लूप लगाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यूज़र से वैसे ही ले लें लूप के बगैर। तो सबसे पहले इंट 5, हमने 5 नंबर उसको बता दिए कि हमारे जो अरे की लेंथ कितनी है वो 5 है। अब यूज़र से इनपुट लेना है, तो इंटर 5 नंबर्स सेपरेटेड बाय स्पेसेस, लिखा हुआ है कि 5 नंबर लो और हर नंबर को मतलब स्पेस देना, क्योंकि यहाँ पे एंडल नहीं लगा हुआ तो इस वजह से। अब सी इन नंबर 0, मतलब 0 इंडेक्स पे एक नंबर, 5 नंबर है ना तो इंडेक्स हमारा कितना होगा, 4। 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू स्टोर होगी, 1 पे स्टोर होगी, 2 पे, 3 पे एंड 4 पे, क्योंकि 5 है हमारे पास। तो इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब यूज़र ने यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम तक यूज़र ने क्या कर दिया कि वैल्यूज इनपुट कर दिए। अब इसको आउटपुट कैसे कराना है, नंबर इंटर हम एक स्टेटमेंट शो करा देंगे, मतलब इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए। अब सी आउट नंबर 0। अब एक बात याद रखनी है कि ब्रैकेट में हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स होगा हमेशा। तो कह रहा है कि नंबर्स जो हैं उसमें 0 इंडेक्स पे यूज़र ने जो कुछ भी इनपुट किया उसको क्या करा दो, सी आउट करा दो, और फिर उसके बाद क्या कर दो, एक स्पेस। फिर ऐसे ही इंडेक्स मतलब इंडेक्स 1 पे जो भी, इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं उन सबको पहले यूज़र से लिया और फिर उन सबको क्या करा दिया, सी आउट करा दिया। अब ज़रा इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। ये हमारे पास आ गया कि हमने यूज़र से वैल्यू ली है और उनको इनपुट आउटपुट कराया। तो अभी हमें ये कह रहा है कि इंटर 5 नंबर्स 23, एक नंबर मैंने इंटर कर दिया 43, एक स्पेस के बाद 54, 67 एंड 98। तो 5 नंबर्स मैंने क्या कर दिए, इंटर कर दिया। अब नंबर इंटर, ये हमने बताया कि हमारे नंबर कितने इंटर हुए, 23, 34, 54, 67 एंड 98, वही नंबर्स जो हमने क्या लिए थे, हमने यूज़र से लिए थे और उन्हीं नंबर्स को हमने क्या कर दिए, आउटपुट करा दिए। अब ये तो था कि लूप के बगैर हम यूज़र से नंबर्स लें और उनको क्या करा दें, मतलब अरे में उनको क्या करा दें, आउटपुट करा दें। अब अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम क्या करते हैं कि हम लूप लगाते हैं। तो इस कोड को मैं कमेंट आउट कर देती हूँ और ये है हमारा कोड यूजिंग लूप स्लैश, और यहाँ पे अपने ब्रेस दे देते हैं। ये आ गया हमारा कोड यूजिंग लूप। अब क्या किया हमने कि 5 नंबर्स ले लिए यूज़र से, ठीक है, यूज़र से हमने 5 नंबर ले लिए, डिक्लेयर कर दिया हमने। उसके बाद हमने कहा है कि इंटर 5 नंबर्स सेपरेटेड बाय स्पेसेस, और अब हमने क्या कर दिया कि लूप लगा दिया। अब ये लूप चलेगी कैसे हमारे पास, सबसे पहले हमने हमें कितने नंबर चाहिए, 5, तो i लेस देन होना चाहिए 5 के, ठीक है, मतलब i 5 से, ये वाली जो होता है ना इसको हम एज अ इंडेक्स लेते हैं, ये कि इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 4 तक, 5 से कम तो 4 ही होगा ना, तो इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 4 तक क्या कर दो, वैल्यू को स्टोर कर दो, मतलब यूज़र से ले लो, क्योंकि ये हम इनपुट के लिए ले रहे हैं। तो ये देखिए सी इन नंबर्स और i हमारा क्या है, जिसकी वैल्यू हर आइट्रेशन पे, मतलब लूप की हर आइट्रेशन पे हमारी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, आई क्या है, लेस देन इक्वल, मतलब 5 से छोटा है, आई लेस देन है, तो क्या कर दो कि यूज़र से वैल्यू ले लो आई की, और यूज़र जो वैल्यू देगा वो कहाँ स्टोर होगी हमारे पास,
आई में स्टोर होगी, मतलब जो इंडेक्स आई है उसमें स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आई में क्या करते हो, इंक्रीमेंट, ये हमको हम नॉर्मली ऐसे यूज़ करते हैं, उसको अभी भी ऐसे कि आई में क्या कर दो, अब पहली वैल्यू यूज़र ने इंटर कर दिया इस पॉइंट तक, आई में इंक्रीमेंट करो, आई बढ़ के क्या हो गया, वन। वन अभी भी छोटा है फाइव से, वन छोटा है फाइव से, तो क्या करो कि यूज़र सी इन करो या सी आउट, मतलब यहाँ पे हम सी इन कर रहे हैं तो यूज़र से क्या करनी है, हमने वैल्यू लेनी है, यूज़र दूसरी वैल्यू इनपुट करेगा। उसके बाद आई बढ़ के क्या हो जाएगा, टू। आई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई की वैल्यू हमारे पास हो गई टू। अब आई में टू है, टू अभी भी छोटा है फाइव से, तो फिर क्या करो, कंडीशन ट्रू, यूज़र से वैल्यू लो, यूज़र ने वैल्यू इनपुट कर दी, फिर आई इंक्रीमेंट होगा, आई बढ़ेगा, आई टू से बढ़ के कितना हो गया, थ्री। तो अभी भी कंडीशन आई लेस देन, मतलब आई है थ्री, तो थ्री लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू हो गई हमारे पास। फिर यहाँ पे क्या होगा, यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट करेगा, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी फोर। अब फोर, फोर अभी भी छोटा है फाइव से, तो फिर क्या होगा कि यूज़र जो भी वैल्यू देगा वो उसको मेमोरी में सेव कर लेगा, मतलब यूज़र इनपुट करेगा। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी फाइव। अब फाइव ना तो छोटा है फाइव से और ना ही इक्वल है, तो हमारे पास कंडीशन गलत, तो ये वाली जो लूप थी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस लूप तक यूज़र यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ दे चुका होगा, फाइव वैल्यूज़ दे चुका होगा। तो इसी सिर्फ जो इतना कोड है, इसको मैं अभी रन करती हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं कि हर आइट्रेशन पे यूज़र क्या करेगा, वैल्यूज़ इनपुट करेगा। अब सबसे पहले उनका एंटर फाइव नंबर, अब आई की वैल्यू है ज़ीरो, आई की वैल्यू है ज़ीरो, आई लेस देन फाइव है, ज़ीरो फाइव से छोटा है, तो क्या करेगा यूज़र एक वैल्यू इनपुट, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 34। फिर स्पेस, पहली वैल्यू इंटर हो गई हमारे पास, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, वन। वन अभी भी छोटा है फाइव से, तो फिर यहाँ पे क्या वैल्यू इनपुट हो जाएगी, 45। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी टू, आई अभी भी छोटा है फाइव से, तो यहाँ पे 12 या कोई भी वैल्यू यूज़र इनपुट कर देगा। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू बढ़ के हो गई थ्री, थ्री अभी भी छोटा है फाइव से, तो यूज़र क्या इनपुट करेगा, एट में, मतलब हर लूप की आइट्रेशन पे यूज़र क्या करेगा, एक वैल्यू इंटर करेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। अब फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, फोर, फोर अभी भी छोटा है फाइव से, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 70। अब फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो गई फाइव, फाइव मतलब छोटा है या गलत है ना हमारे पास ये कंडीशन कि फाइव छोटा है, ना ही फाइव छोटा है ना ही इक्वल है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक यूज़र कितनी वैल्यूज़ दे चुका होगा, फाइव, जो कि हमारी क्या है, अरे का, अरे की लेंथ है। अब इसके बाद अगर इस कोड को भी हम साथ चलाएं, इसमें सेम ऐसे ही कि इसमें हमने सी इन किया था, इसमें हम सी आउट कर देंगे कि जितने भी वैल्यूज़ ऊपर यूज़र ने दिए उन सबको क्या कर दिए, हमें शो करा दें। तो इस कोड को रन करते हैं, ये क्यों हमें इस तरह का एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने आई की वैल्यू फाइव कर दी है, तो पहली बार ही हमारी कंडीशन गलत हो गई है, तो इस वजह से ये गार्बेज वैल्यूज़ हैं जो कंपाइलर ने खुद ही दे दी। तो हम यहाँ पे ज़ीरो करते हैं और अब ये हमारा प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा। मैं ऊपर वाले कोड को रिमूव कर देते हैं। हाँ, इंटर फाइव नंबर्स, 34 पहले हमने इंटर कर दी, 45, 67, 90 एंड 12। इस लूप यहाँ पे अब हमारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी कंडीशन यहाँ पे हो गई होगी कि आई फाइव, और ये कंडीशन हो गई होगी फॉल्स, तो फिर हमारे पास ये लूप की मतलब जो कंपाइलर है वो यहाँ पे आया होगा और इसने इन सारी वैल्यूज़ को क्या किया होगा, आउटपुट किया होगा, तो ये सेम वैल्यूज़ हमारे पास हमारे आउटपुट में शुरू हो गई थी। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अरे का और अरे के क्वेश्चंस के हम विदाउट लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे हम वैल्यूज़ को डिक्लेयर करा सकते हैं, और विद लूप, और नॉर्मली ये लूप का तरीका यूज़ होता है कि यूज़र से वैल्यूज़ लेने के लिए भी और उसको आउटपुट कराने के लिए भी।